और बात सीरियल थपकी तेरे प्यार की। श्रद्धा यानी कि एक्टर मोनिका खन्ना तो आपको याद होगी, कल था उनका हैप्पी वाला बर्थडे। मोनिका ने यू मी और टीवी के साथ कैसे मनाई राखी और अपने जन्मदिन को भी, चलिए आपको दिखाते हैं। बंधन तो कल चला गया लेकिन जाते जाते कई लोगों के चेहरे पर प्यार भरी मुस्कान छोड़ कर गया। ऐसी ही मुस्कान हमें दिखी सीरियल थपकी तेरे प्यार की में श्रद्धा का रोल प्ले करने वाली मोनिका खन्ना के चेहरे पर, जो भाई को राखी बांधने के लिए उनके घर आई थी। बस अपने भाई को मैं राखी बांधने के लिए यहाँ पर आई हूँ और रक्षाबंधन का जो फेस्टिवल है वो सेलिब्रेट कर रही हूँ। दिस इज माय राखी। एक्चुअली राखी के बहुत सारे वर्जन आते हैं, बहुत ऐसे थे कि थोड़े यो टाइप्स। माय ब्रदर वैसे यो है बट उसको राखी ऐसी पसंद है, सिंपल वाली, नहीं तो फिर वो अगले दिन उतार के रख देता है। इट्स बेटर ना कि उसको ऐसे दो ताकि वो थोड़े दिन तक पहने। सो दैट इज व्हाई आई गॉट दिस। के साथ राखी और अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़ी कई बातें शेयर की। दैट्स माय ब्रदर आलू। हेलो एवरीवन, मेरा हाथ टूटा हुआ है, सॉरी, इसलिए बहन खुद मेरे पास आई है राखी बांधने के लिए, नहीं तो हर साल मैं जाता हूँ इसके पास राखी बंधवाने। सो टाइम इट्स ओके, इट्स ओके, हो जाता है, कोई बात नहीं। ऐसी घटनाएं करते रहोगे तो गड़बड़ होगी, इसलिए हो जाती है, करता नहीं हूँ, हो जाती है। यू बेटर बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम। यस आई विल। पहले मैं मलाड में रहता था तो आजू बाजू ही रहते थे हम दोनों, बट दो साल हो गए। आजू बाजू रहने के बाद भी नहीं आता था, आगे बोलो। मैं आता था, चुप रहे। ओके आता था बट आज राखी है तो कुछ नहीं कह सकता। बहन की बात जो भी बोल रही है सही है। अभी दो साल हो गए हैं मुझे लोकरनवाला शिफ्ट हुए, तो साल में थोड़ा ही मिल पाते हैं, बट बिकॉज शी वॉज बिजी डूइंग थपकी प्यार की, जब भी शी वॉज द मेन नेगेटिव इन दैट, यू नो। तो मोनिका कहाँ पे है, मैं ऑलवेज कॉल्ड हिम एंड ही इज ऑलवेज आउट, ऑलवेज आउट। नो नो नो, शट अप। कभी घर आ जा बस यही बोलता था, कभी मेरे को मिलने नहीं आता था। और मुझे पता था द मोमेंट ही विल शिफ्ट फ्रॉम मलाड टू अंधेरी। इससे पूछो मैं रोई भी थी, ये रोई भी थी। मैंने बोला मोनिका मैं आ रहा हूँ मिलने, दो तीन बार मिलने गया बट शी वॉज एट शूट। ओ यार राइट, थपकी प्यार। यू शुड हैव कम टू फिल्म सिटी नो। तुमने बोला मैं आऊंगी, मैं खुद आऊंगी भाई, मैं अंधेरी no, 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 नहीं आऊंगी। He's lying, he's भी तुमसे मिलना चाहता था। He's lying. अच्छा चलो, मेरी गलती, बस आगे से ऐसा नहीं होगा। दूसरे के साथ गिले शिकवे दूर करने के बाद श्रद्धा ने भाई को राखी बांधी। वैसे आपको बता दें कि राखी का दिन श्रद्धा के लिए डबल सेलिब्रेशन लेकर आया था। ऐसे में यू मी और टीवी श्रद्धा के लिए लेकर पहुंचा था यम्मी पेस्ट्रीज, जो श्रद्धा को काफी पसंद भी आई। Thank you so very much. Thank you for celebrating my birthday. This is the first cake that I'm okay. So thank you all my viewers jinhone mere sath mera birthday celebrate kiya. Okay. Happy birthday. White dress thi. Anyway, aur वैसे तो अच्छा भी लग रहा है कि रक्षाबंधन के दिन मेरा बर्थडे ऐसा बोल रहे, कितना अच्छा है, मारूंगी मैं, इतना अच्छा है और यू नो इट्स सच, इतने अच्छे दिन पे आए। पर उनको ये समझ नहीं आ रहा है कि भाई लोग बहुत छाड़े होते हैं, बर्थडे का और रक्षाबंधन का एक ही गिफ्ट देते हैं। मेरा इसमें बहुत लॉस हुआ है। दो गिफ्ट हैं फिर, ठीक है, ही इज द बेस्ट। लॉस नहीं, फायदा हुआ तुम्हारा, रक्षाबंधन और बर्थडे दो दो। नहीं, मेरे को ऐसा बोला गया था कि अरे अब तो तुम्हें एक ही गिफ्ट मिलेगा क्योंकि रक्षाबंधन और सब बोला था। नहीं नहीं, ऐसा मतलब तुम अपने भाई को अच्छे से जानती नहीं हो इसका मतलब? नहीं नहीं, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। अभी वो क्वेश्चन पूछने लगे तो ऐसे धड़ाधड़ धड़ाधड़ ऐसा रैपिड फायर निकलेगा। श्रद्धा ने केक कटिंग के साथ साथ अपने बचपन की यादें भी हमारे साथ शेयर की। ओ माई गॉड, आई हैव सो मेनी मेमोरीज बर्थडे पे। जब भी मेरे बर्थडे सेलिब्रेट होता था, चाहे घर पे हो चाहे बाहर हो, ही इज द वन हु वाज ओवरली एक्साइटेड। मतलब मुझे ऐसा लगता था मेरे बर्थडे है कि इसका बर्थडे है, सो ये बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता था। एंड बीइंग माय ब्रदर, भले ही पार्टी किसी ने भी होस्ट की हो, यही होस्ट रहता था वहां पे, किसको खाना है किसको पीना है सब उस चीज का यू नो जिम्मेदारी आलोक को दी जाती थी। माइक भी वहीं चले जाता था। हाँ माइक, और इतने खराब खराब गाने गाता था ना ये, इतने खराब। मैं गाता नहीं था, बजाता था। नहीं, तुम जब गाते थे तो मैं बोलती थी भाई बजने दे। एक तो गाना ऐसा है जो इसका बहुत फेवरेट है और मुझे बहुत गुस्सा आता है। कौन सा है? गाओ ना, गाके सुनो। डैडी लक 28 कुड़ी दा 47 वेट कुड़ी दा, ये गाना से मुझे इतनी चिढ़ मच गई है ना कि अब जब आता तो मैं तुरंत इसे चेंज कर देती हूँ। क्यों? लेकिन ऐसा की मेमोरी मैं बता दूँ फिर क्या है?
बहुत लंबी कहानी, मिस्ट्री है, सीक्रेट। क्या बात है, आप दोनों भाई बहनों का बॉन्ड तो काफी अच्छा है। वी होप कि आप लोगों के प्यार का सिलसिला यूं ही साल दर साल चलता रहे।